एक घंटे में जिसमें से 45 मिनट मैं बात कर रहा था, तो इतना आसान नहीं है ऑडियंस को समझने का। लेकिन जितना हमने इंटरेक्शन किया उसके बाद, मुझे लग रहा है कि आज के युवा के जो प्रश्न हैं वो वही हैं जो 50 साल पहले थे। मेरे भविष्य में मैं क्या करूँगा, मेरे माता पिता ये नहीं समझते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं ये करूँ। पीयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ सक्सेस, ये जो बुनियादी सवाल हैं जो युवा युवतियों को के जहन में आता है, इन सवालों का जवाब जैसे मैंने आज भी जब मैं बोल रहा था कि ये आत्मविश्वास और परिश्रम, इन दोनों चीज़ के बिना आपको इन चीज़ों का जवाब नहीं मिलेगा। टू हैव द बिलीफ इन योर सेल्फ एंड टू वर्क वेरी हार्ड, ओनली देन विल द आंसर्स कम। तो जैसा सवाल 50 साल पुराना है, जवाब भी वैसा ही है कि वही आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सवाल नए आ रहे हैं, सवाल वही बुनियादी सवाल है, क्योंकि हमारे देश में वही बुनियादी इश्यूज हैं जो अभी तक काफ़ी जगहों पे हमने एड्रेस नहीं किया। आर्थिक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ट्रेडिशन, ये सब मानना पड़ेगा और उसी ढांचे के अंदर से आपको तरक्की लानी पड़ेगी। आजकल मैं सोच रहा हूँ कि दो मैसेज आज के यूथ के लिए सबसे ज़रूरी है। एक, जो दूसरे लोग जो कहते हैं आपके बारे में, प्लीज़ मत सोचो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में इतना आलोचना होता है हर रोज़, हर चीज़, हर बात पे जो आप एक्सप्रेस करते हो, कि कितने युवक युवतियों मैं मिला हूँ जो एंग्जाइटी अटैक्स, जो काउंसलिंग में है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों, वो इसलिए कि हर वक्त वो उन्हें जज किया जा रहा है और इन इन बच्ची बच्चों को एक फीलिंग हो रहा है कि मैं कुछ कहूँ या कोई मुझे जज करेगा। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि परिश्रम, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल थोड़ा सा जो वो परिश्रम का जो एक एक आदत सी बन गई है मेरे पीढ़ी में, शायद वो कम हो रहा है। टू वर्क रियली रियली हार्ड, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, अरे तुम नहीं करना चाहते हो लेकिन तुम्हें तुम्हारे परिवार के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं, करो और अपने खून पसीना बहाओ वहाँ पे, उसके बाद एक नया रास्ता निकलेगा। लेकिन जब तक आप वो नहीं, खून पसीना नहीं बहाओगे, वो रास्ता नहीं निकलता है। रास्ता तब निकलता है जब आप बहुत बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो, क्योंकि उस परिश्रम में नए थॉट्स आते हैं, नए विचार आते हैं। वो परिश्रम एक मेडिटेशन बन जाता है, एक ऑब्सेशन बन जाता है, उसमें से नए आइडियाज़ निकलते हैं। तो ये मैं बहुत दफ़ा अब आजकल स्कूल कॉलेजेस में जाके मैं कहता हूँ कि प्लीज़ लर्न द वैल्यू ऑफ वर्किंग रियली हार्ड। सो टू थिंग्स, सोशल एंग्जाइटी, डोंट पे अटेंशन टू इट, एंड सेकेंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। मैंने कभी ये नहीं कहा कि युवा कंफ्यूज है, आप कह रहे हैं। मैंने कहा 50 साल पहले जो बुनियादी सवाल थे युवक और युवतियों के अंदर के जहन में, कि मैं आगे जाके क्या करूं, कि मैं ये क्या करना चाहता हूं, लेकिन मेरे बाप आप कह रहे हैं कि मुझे ये करना है, जो एक सोशल नॉर्म होता है, जो एक कम्युनिटी का एक नॉर्म होता है। जो एक ट्रेडिशन होता है, उस ढांचे के अंदर पहले आप देखो कि उसमें आप तरक्की कैसे ला सकते हो अपने आप को, उसके बाद आप
पहले दिन से सोच रहे हो कि मैं सब कुछ तोड़ के, सारे कन्वेंशंस तोड़ के मैं निकल आऊँगा, ऐसा नहीं होता है भारत में, नहीं कहीं पे भी। चेंज जो होता है वो होता है, अंग्रेजी में एक शब्द है इंक्रीमेंटल, इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर से चेंज होता है और फिर अंदर से चेंज फाइनली प्राप्त होते हैं आपको। सो यू हैव टू वर्क विद इन द सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, योर ओन सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, एंड स्लोली क्रिएट अ मोमेंटम फॉर चेंज। चेंज डज नॉट हैपन ओवरनाइट एंड इट विल नॉट हैपन विद द फर्स्ट पंच। यू हैव टू कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, देन सोसाइटी विल ग्रेजुअली द बॉर्डर्स विल। राहुल जी, सिनेमा का कितना योगदान है, डायलॉग कितना एक्सचेंज है आज के युवा के निर्माण में या उनकी सोच है? देखिए, मैं बहुत सुनता आया हूँ कि सिनेमा का इन्फ्लुएंस काफ़ी है, प्रभाव काफ़ी है हमारे समाज पे, लेकिन मैंने 15 साल पहले ये कहा है और आज भी कहूँगा, मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर होता, 1970 में स्मगलिंग का बहुत से हम फिल्म्स देखा करते थे, 80-90 में टेररिज्म के बहुत फिल्म्स देखे थे, क्या स्मगलिंग बढ़ा उसके बाद, क्या टेररिज्म बढ़ा उसके बाद? हम देख रहे थे कि NRI कब के बहुत फिल्म्स बनते थे, मतलब बड़े बड़े NRI रोमांसेस, उसमें कुछ हमारे ज़िंदगी में फ़र्क हुआ है? मैं मानता हूँ कि सिनेमा का जो प्रभाव है सोसाइटी पे, लोग बहुत ज़्यादा उसे, मैं समझता हूँ, महत्वपूर्ण देते हैं। हमने कितने विलन्स देखे हैं 1960 से 70 में, 80 में, एक ज़माने में गोल्ड स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होता था, क्या हम सब गोल्ड स्मगलर बन गए? तो फाइनली हमारे ऑडियंस समझते हैं कि ये इट्स अ फिल्म, और फिर निकल जाते हैं। यस, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि सिनेमा के जो उसूल हैं वो आप गलत उसूल प्रोपगेट करें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कुछ ख़राब दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे ताकि लोगों को पता चले कि ये गलत है, ये सही है, ज़रूर वो आपको करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि हम सिनेमा बना रहे हैं, हम समाज में बहुत प्रभावित हमारा काम होता है, मैं समझता हूँ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है ये, इतना मैं नहीं समझता हूँ सिनेमा प्रभावित करता है समाज में। क्योंकि आजकल हमारे चारों ओर इतने इन्फ्लुएंसेस हैं, चाहे सोशल मीडिया पे का इन्फ्लुएंस हो, चाहे हमारे बाकी टेलीविज़न, रेडियो वगैरह के इन्फ्लुएंस हो, चाहे हमारे आस पड़ोस में इन्फ्लुएंस हो, चाहे हमारे फ़ोन्स पे जो मैसेजेस आते हैं उसके इन्फ्लुएंस हो, जो बातचीत करते हैं पूरे वातावरण में, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस है कि सिनेमा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा मेरे सोच में इतना ज़्यादा नहीं है आजकल। सर, आप भारत का यूथ आइकन किसे मानना चाहेंगे या मान सकते हैं? बहुत से हैं भारत के यूथ आइकन, सचिन तेंदुलकर हैं, इतना जीनियस है उनमें, फिर भी उतना परिश्रम है, और क्या ह्यूमिलिटी है, क्या कनेक्टेडनेस है, क्या लव फॉर द नेशन है, मतलब व्हाट अ फैंटास्टिक रोल मॉडल। अभिनव बिंद्रा जी हैं जो ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, उनमें जो धैर्य है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत प्रशंसाजनक है। हमारे कितने हम बहुत खुशकिस्मत है कि पिछले 50 साल में, चाहे मिल्खा सिंह जी हो, तो बहुत से स्पोर्ट्स में तो बहुत ही बहुत एग्जांपल्स हैं, विश्वनाथन आनंद, मतलब मैं 20 नाम आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो बहुत एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट पिछले 10-15 साल में, मैंने एक फिल्म भी बनाई थी पूर्णा के बारे में, द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, चाहे साइना नेहवाल हो या पीवी सिंधु हो या मिताली राज हो, कितने हैं हमारे स्पोर्ट्स वुमेन जिन्होंने दिखाया है कि लड़कियां भी कुछ भी कर सकती हैं। सो नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ रोल मॉडल्स टू लुक एट ऑल ओवर फॉर आर यूथ टू गेट द राइट एग्जांपल्स, हार्ड वर्क, टू बी फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, टू बी हम्बल एंड टू ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर पीपल। तो ये तो हमारे चारों ओर बहुत से युवा कौन से। मैं नासिक शहर को जानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि ये
काफ़ी लोग जवाब देंगे कि इतना मुझे प्यार है वगैरह, लेकिन मैं नासिक शहर को जानता नहीं हूँ। मैं मेरी माँ कोल्हापुर की थी, गुजर गई हैं, तो मैं कोल्हापुर जाता हूँ बहुत, क्योंकि उस फैमिली की उस साइड इज टोटली महाराष्ट्रन। लेकिन नासिक ज़्यादा आना जाना नहीं होगा, पुणे में काफ़ी आना जाना है, नासिक में ज़्यादा नहीं। तो ऑनेस्टली मैं आपको कहूँगा कि हाँ, खून में तो महाराष्ट्र है, लेकिन नासिक के बारे में इतना नहीं जानता।